أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في سورة البقرة بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم مولاي صلى وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता दर्स में हमने तकरीबन दो रुकुओं में अल्लाह तबारक व तआला ने तालूत व जालूत के वाक़े को बयान फरमाया और उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को इस हकीकत से आशनास कराया कि जो भी लोग अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं अगरचे को तादाद में कम हो लेकिन हक़ के लिए लड़ें, हक़ के लिए बाजी लगाएँ तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कामयाब फरमा देता है। फिर इसके बाद रब्बे करीम ने अपने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के मरातिब को बयान फरमाया कि तमाम अम्बिया में से बास को बास पे फजीलत दी जाती है और हमारे नबी मुकर्रम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम अम्बिया के सरदार हैं। फिर अल्लाह तबारक तआला ने अपनी मशीयत को, अपने इरादे को जाहिर फरमाया कि जो कुछ हो रहा सब उसी के हुक्म से हो रहा है। आज जो आयात तैयबात मैंने पढ़ी तो उसमें अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालो तुम खर्च करो उसमें से जो हमने तुम्हें अता फरमाया। तो अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो भी अता फरमाया उसे अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए। यह आयत तैयबा वाज़ेह लफ्ज़ों में हमें बता रही है ख़ासतौर पर हमारे माल उन्हें अल्लाह के राह में खर्च करना चाहिए। मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुल्ला बायउन फ़ीही, उस दिन से पहले कि जिस दिन कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं होगी। क़यामत के दिन की तरफ इशारा कर दिया है कि दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें दी गई है जिसमें तुम अल्लाह की राह में खर्च कर सकते हो, लेकिन जब तुम मर जाओगे और क़यामत बरपा कर दी जाएगी तो उस दिन तुम्हारी तमन्नाओं करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उस दिन से पहले पहले खर्च कर दो, ला बयउन फ़ीही, कि जिसमें कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं है। यानी ये भी नहीं हो सकता तुम अपनी जान को फ़िदिया देकर आज़ाद करा लो, अपनी जान को ख़रीद लो अल्लाह ताला के अज़ाब के बदले में, अज़ाब से बचा लो अपने आप को। वला खुल्ला, और ना ही कोई दोस्ती होगी उस दिन, यानी कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन किराम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फरमाया कि ये कुफ्फार के लिए ख़ास तौर पर इरशाद फरमाया गया, क्योंकि मुसलमानों की दोस्तियाँ कायम होगी। कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में एक दूसरे मुकाम पर फरमाता है अखिल्लाहु अलखिल्लाहु यौमाइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू, के उस दिन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे, इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी लोगों के, कि उस दिन जो मुत्तकी लोग जो अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह के लिए एक दूसरे से ताल्लुकात रखते हैं, मसलन के औलिया किराम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, या औलिया के चाहने वाले अवाम मुसलमान जो अल्लाह के नबियों से औलिया किराम से मोहब्बत रखते हैं, तो उनके लिए फरमाया कि वला, उनके लिए फरमाया कि इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी लोगों के उनकी दोस्तियाँ काम आएगी, लेकिन गैर मुस्लिमों की दोस्तियाँ, काफिरों की दोस्तियाँ काम नहीं आएँगी। वला शफा, और ना उनकी कोई शफात काम आएगी, काफिरों को कोई शफात नहीं होगी, जबकि मोमिनीन के लिए शफात हक़ है। जैसा कि हमने पहले आयत तैयबा भी तिलावत की और उससे पहले भी दर्स में हम बयान कर चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस तैयबा से भी साबित है, और ख़ुद कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की अगली आने वाली आयत तैयबा जिसे आयतुल कुर्सी कहते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान के लिए शफात का इख्तिसास किया है और उनका इस्तिस्ना फरमाया है। तो यह आयत कुफ़ार के हक़ में है या उन लोगों के हक़ में है कि जो नबी अलैहिस्सलाम के शफात के मुनकिर हैं, तो उन्हें शफात मैसर नहीं आएगी। अलबत्ता जो मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस तैयबा पर ईमान रखते हैं, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के आयत तैयबा पर ईमान रखते हैं, उनके लिए शफात है। फरमाया कि वल काफिरून हुमुल ज़ालिमून, और काफिर लोग ही ज़ालिम हैं। तो यहाँ पर यह आयत तैयबा का यह हिस्सा वाज़ेह कर रहा है कि जो अल्लाह ने मना फरमाया कि उनके बदले में कोई फ़िदिया नहीं लिया जाएगा, ना उनकी कोई दोस्ती काम आएगी, ना कोई शफात काम आएगी, ये ख़ास काफिरीन के लिए है। तो काफिर ही लोग जुल्म करने वाले हैं। अब जो आयत तैयबा शुरू हुई है उसे आयतुल कुर्सी कहा जाता है, और ये बहुत मशहूर आयत तैयबा है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की एक बड़ी आयत में से एक आयत है, और अहदीस करीमा में इसकी बहुत फजीलत बयान की गई है। इसमें तौहीद इलाही का ख़जाना है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात व सिफ़ात को बयान फरमाया है,
तो ये अहले ईमान के लिए दिलों का सुकून का बाइस है, जो और कुफ़ार के तमाम एतराज़ात का इसमें जवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे सबसे आज़म कुरान की सबसे बड़ी आयत तैयबा करार दिया है। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि ताला ने रिवायत करते हैं हज़रत उबै इब्ने काब रदी अल्लाह तआला से, वो फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया कि कौन सी आयत तैयबा कुरान की सबसे आज़म आयत तैयबा, सबसे अज़मत वाली है। तो मैंने अर्ज़ की कि वो आयतुल कुर्सी है। तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्त मुबारक मेरे सीने पे मारा और फरमाया कि तुझे इल्म की मुबारकबाद हो, और तुझे इल्म की मुबारकबाद हो, और फिर आपने उनके लिए इल्म के लिए दुआ फरमाई। फिर इसी तरह इमाम मुस्लिम ने एक दूसरी रिवायत भी बयान फरमाई कि हज़रत उबै इब्ने काब रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मेरे बागात थे, मैं अल्लाह के रहमत सदका किया करता था, तो एक दिन रात में मैंने देखा कि कोई एक मखलूक है जो कि एक छोटा बच्चा जो कि अभी बलूगत के करीब पहुँच जाता है, उस कद का कोई मखलूक है वहाँ पर। तो मैंने देखा कि वो वहाँ पर मौजूद है, गल्ला समेट रहा। तो मैंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा कि हम जिन्नात में से हैं। और तो मैंने कहा अच्छा ज़रा मुझे अपना हाथ पकड़ाओ ज़रा, तो उसने फिर अपना हाथ मुझे पकड़ाया, तो मैंने देखा कि उसके हाथ कुत्ते के हाथों की मिसल है और उसके जिस्म पे बाल हैं। तो मैंने कहा कि यही तुम लोग इस किस्म के होते हो, तो उसने कहा कि हम में से बहुत ताकतवर भी होते हैं। फिर फरमाया कि यहाँ पर क्यों आए, तो कहा कि हमें मालूम था कि आप बहुत सदक़े को पसंद करते हैं, तो हमने कहा कि आपके माल में से आपका हिस्सा भी हो। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब बयान फरमाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसकी तस्दीक फरमाई। बल्कि हदीस शरीफ में यह भी आता है कि हज़रत उबै इब्ने काब ने जब पूछा कि इससे तुम लोगों से बचने की क्या सूरत है, तो उन्होंने कहा, उस जिन ने कहा कि अगर कोई शख्स सुबह में अगर आयतुल कुर्सी पढ़ ले तो शाम तक उसकी हिफाजत होती है हम लोगों से, और जो शाम को पढ़ ले तो पूरे सुबह तक उसकी हिफाजत होती है। तो इस आयतुल कुर्सी की फजीलत बयान की हदीस तैयबा में। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला का वाकया बहुत मशहूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बैतुल माल के गल्ले पर निगरानी के लिए छोड़ा था, तो रात में अचानक एक आपने महसूस किया कि कुछ चोर है, तो आपने उसको पकड़ा, तो वो फिर माफ़िया मांगने लगा, आपने उसको छोड़ दिया। तो नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में जब अगले दिन हाजिर हुए तो आपने इरशाद फरमा कि तुम्हारे चोर का क्या मामला है। तो उन्होंने रस्की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ऐसा मामला, उसने कहा कि मैं नादार हूँ, मुफलिस हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो आप मुझे छोड़ दें, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फरमाया कि वो अगले दिन फिर आएगा। अगले दिन फिर आया, फिर इस तरह आपने पकड़ा, फिर वही मामला हुआ। फिर तीसरे दिन आया, फिर आपने पकड़ा कि मैं तुम्हें तो ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेके जाऊँगा। तो उसने कहा कि आप मुझे छोड़ दें, आइंदा नहीं आऊँगा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। तो उसने फिर कहा कि कुरान मजीद की आयतुल कुर्सी है, जो इसे पढ़ ले तो इससे जादू जिससे जिन्नात और शयातिन से हिफाजत हो जाती है। जब नबी अलैहिस्सलाम के बारगाह में सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला तीसरे दिन हाजिर हुए, तो आपने उनसे पूछा कि क्या मामला हुआ, तो उन्होंने फिर तमाम की तमाम बात बताई। तो आपने फरमाया कि वो खुद झूठा है, लेकिन बात उसकी सच्ची है, वो ज़ालिक शैतान हो, वो शैतान था जो तीनों दिन तुम्हारे पास आता रहा। तो इस आयत तैयबा आयतुल कुर्सी की फजीलत इन आयत से जाहिर है। तो वैसे तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है, बाकायदा इसके आमाल उल्मा ने लिखे हैं, इसकी किताबों में मरकूम है। बहरहाल इसको सुबह शाम पढ़ना चाहिए, और हर नमाज के बाद पढ़ने वाले शख्स के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि उसके दरमियान में और मौत के दरमियान में उसके दरमियान में और जन्नत के दरमियान में सिवाय मौत की और कोई चीज़ नहीं होती है। तो हम इस आयत तैयबा को शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपनी तौहीद की इब्तिदा फरमाता है, इसमें बयान फरमाता है अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह है कोई माबूद नहीं है उसके सिवा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मौजूदगी को बयान फरमाया कि वजूद हकीकी उसी का है और उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल हय्युल क़य्यूम, वो ज़िंदा है और बाकी तमाम अशिया को ज़िंदा रखने वाला है। तो अल्लाह तबारक तआला मौजूद है, पहले इस बात को बयान कर दिया गया, और वही इबादत के लायक है, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। अगली जो सिफत अल्लाह तबारक तआला ने फरमाई कि वह अल हय है, वो ज़िंदा है। तो हई से ज़िंदगी से मुराद ये है कि वह ऐसी उसकी ज़िंदगी है कि वो अपनी ज़ात से कायम है, अपनी ज़ात से ज़िंदा है। बाकी तमाम मखलूकात को ज़िंदगी मिली है, वो उसी की ज़िंदगी का एक परत है, एक अक्स है, ज़िल है, वरना हकीकतन वही ज़िंदा है। अल क़य्यूम, क़य्यूम का लफ्ज़ी माना है कायम करने वाला। तो मुराद ये वो ख़ुद भी कायम है और तमाम के तमाम मखलूकात को कायम करने वाला है। इसको समझाने के लिए कहा जा सकता है कि जिस तरह के साया किसी वजूद का मोहताज होता है, जब वजूद होगा तो फिर साया नज़र आएगा, जब वजूद ही नहीं है तो साया भी किसी चीज़ का नहीं बनता। इसी तरह तमाम के तमाम अशिया अल्लाह तबारक व तआला के वजूद की मोहताज है, उसकी क़य्यूमियत की मोहताज है, कि उसी के क़याम से तमाम अशिया को क़याम है,
और अगर वो कायम ना रखे तो कोई चीज़ भी कायम ना रहे। वलिल्लाहिल मसलुल आला, और अल्लाह तबारक व तआला के लिए आला मिसाल है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मौजूदगी को बयान फरमाया, अपने अलूहियत को बयान फरमाया और फरमा दिया कि वो जिंदा व कायम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सिफत की तरफ इशारा कर दिया, हयात की तरफ और क़य्यूमियत की तरफ, जबकि ये सिफात और दीगर सिफात को भी मुस्तलज़म है। जब किसी को हम जिंदा कहेंगे, कायम कहेंगे, मौजूद कहेंगे, तो उसके लिए ला मुहाला ये बात भी ज़रूरी है कि वो कायम है, तो उसको फिर इल्म भी होना चाहिए, उसको वो बसीर भी होना चाहिए, वो समी भी होना चाहिए, वो मुरीद उसका इरादा भी होना चाहिए, तो ये उसका कलाम भी होना चाहिए। तो ये तमाम की तमाम सिफात अल्लाह तबारक तआला की इस सिफात के ज़िमन में साबित हो जाती हैं। फरमाए कि ला ताख़ुदुहु सिनतुन वला नौम, ना तो उसको ऊँग आती है और ना ही नींद आती है। तो यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने हर किस्म की कमज़ोरियों को मना फरमा दिया, अपनी ज़ात से तंजीह फरमा दी उनकी कि वह हर किस्म के ऐब से पाक है। क्योंकि नींद आ जा, ये ओंग आना, ओंग नींद का मुकदमा है, नींद से पहले ओंग ही आती है जिसमें इंसान गाफिल हो जाता है, और उसके बाद फिर नींद आती है तो फिर पूरा का पूरा गाफिल हो जाता है। तो अल्लाह तबारक तआला हर किस्म की गफलतों से पाक है। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बे करीम क्या तुझे नींद आती है? तो रब्बे करीम ने फरमाया कि मूसा दो कच्चे बर्तन अपने हाथ में ले लो। मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों अपने हाथों में बर्तन लिए तो अल्लाह ने उन पर ओंग तारी फरमाई, तो दोनों के दोनों बर्तन हाथ टकरा गए, आपस में बर्तन टूट के गिर गए, ये गिर के टूट गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नींद आ जाए तो सारा का सारा कायनात का निज़ाम बिगड़ जाए, तो मैं नींद से पाक हूँ, ओंग से पाक हूँ। यहाँ पे अल्लाह तबारक तआला ने इस बात की वजाहत कर दी और उन लोगों को भी जवाब दे दिया जो लोग कहते हैं, जो मुशरिकीन अरब ने जो बहुत सारे खुदा तराशे हुए थे, गढ़े हुए थे, तो उनका असल उसके पीछे मंतिक ये थी, ये लॉजिक थी कि रब्बे करीम अकेला इतने सारे कायनात को नहीं चला सकता और इसके लिए उसको मददगारों की ज़रूरत है और उसमें इतनी ताकत नहीं है कि सबको एक साथ चला सके। तो अल्लाह ने यहाँ पर इस बात को बयान करके इरशाद फरमा दिया कि वो किसी बात से गाफिल नहीं है, उसको कोई कमज़ोरी नहीं है, ये नींद वगैरह आवारिज़ ये सब के सब इंसानों के हैं। तो फरमा मखलूक़ात के हैं, फरमाए कि लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और उसी के लिए है आसमानों में जो कुछ और जो कुछ ज़मीन में है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मिल्कियत को साबित फरमा दिया है कि सब उसके ममलूक के ग़ुलाम है, उसके बंदे हैं, उसकी मिल्कियत से कोई चीज़ खारिज नहीं है, आसमान भी खारिज नहीं है, ज़मीन भी खारिज नहीं है। तो जब तमाम की तमाम मखलूक़ात उसकी मिल्कियत है तो कोई दूसरा कैसे अलूहियत के काबिल हो सकता है? कोई दूसरा इस तरह कैसे इस बात के लिए लायक हो सकता है कि उसकी इबादत की जाए? तो कोई चीज़ भी इबादत के लायक नहीं है सिवाय रब्बे करीम के। यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने तमाम की तमाम वजाहत फरमा दी और हर किस्म के खुदाओं को की नफ़ी फरमा दी। फिर रब्बे करीम अपने एक और शान को बयान फरमाता है कि मंदल्लदी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बिज़्निह, कौन है जो उसके यहाँ पर शफात करे किसी की उसकी इजाज़त के बग़ैर? तो यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने उन मुशरिकीन अरब का रद्द फरमाया जो कहते थे कि हमारे बुत अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में अपने धौंस से, अपने ताकत से यहाँ पे शफात करेंगे और अल्लाह तबारक तआला उनकी शफात मानने पे मजबूर होगा, माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह। तो अल्लाह ने वाज़ लफ्ज़ों में बयान फरमा दिया कि उसकी बारगाह में कोई भी शफात नहीं कर सकता उसकी इजाज़त के बग़ैर, और इजाज़त के साथ कौन करेगा? तो उसके लिए अहादीस तैयबा में वाज़ लफ्ज़ों में आ चुका है कि बरोज़ क़ियामत तमाम के तमाम जब मखलूक़ात परेशान होगी तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे, नूह अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर होंगे, तमाम के तमाम अंबिया किराम की खिदमत में हाज़िर होंगे, यहाँ तक कि ईसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में आएंगे और सब के सब अंबिया किराम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि तमाम किसी और के पास जाओ, इज़बू इला गैरी, इज़बू इला गैरी, मेरे सिवा किसी और के पास जाओ। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम रहनुमाई करेंगे कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाज़िर हो जाओ। आज के दिन उन्हीं की शफात कबूल होगी। जब तमाम के तमाम मखलूक़ात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होगी तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सब फरमाएंगे अना लहा, इस शफात के लिए तो मैं हूँ, इस शफात के लिए तो मैं हूँ। फिर आप अलैहिस्सलाम इज़्न शफात आपको मिलेगी, आप शफात का दरवाज़ा खोलेंगे, तब आपके तुफ़ैल फिर तमाम अम्बिया को शफात की इजाज़त दी जाएगी, आपके तुफ़ैल फिर औलिया को शफात की इजाज़त दी जाएगी, उलमा को शफात की इजाज़त दी जाएगी, हुफ्फाज़ किराम शफात करेंगे, तो तमाम के तमाम मखलूक़ात फिर आपके बाद ही शफात करेगी। तो यहाँ पर जो शफात का मना किया गया है वो कुफ्फार के लिए मना किया गया है, और जिस शफात की इजाज़त दी है वो अल्लाह के प्यारों की इजाज़त दी गई है कि अल्लाह के प्यारे अल्लाह की इजाज़त से अल्लाह की बारगाह में शफात करेंगे। तो ये बात हमेशा जहन में रखनी चाहिए। बाज़ लोग तौहीद की आड़ लेकर
अल्लाह के नबियों की शफ़ात को भी मना कर देते हैं, अल्लाह के वलियों की शफ़ात को भी मना कर देते हैं। अयाज़ु बिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला इस गुमराही से हमें बचाए। फरमाए कि यालमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ उनके दरमियान में उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है। यानी अल्लाह तबारक तआला यहाँ पर वजाहत फरमा दी है कि अल्लाह तबारक तआला माजी को भी जानता है, मुस्तकबिल को भी जानता है, उससे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में उसके मखलूक के बारे में फरमाया कि वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, और कोई भी मखलूक उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकती, उसके इल्म में से नहीं जान सकती, इल्ला बिमा शा, सिवाय उसके के जितना उसने बताया है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक के इल्म के बारे में वजाहत कर दी है कि इनका इल्म बहुत थोड़ा है और वो भी अल्लाह तबारक व तआला की अता से है। मगर अल्लाह की अता से किन लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म को साबित फरमाया। तो इस आयत तैयबा को बुनियाद बनाकर बहुत सारे लोग माज़ल्ला अंबिया के उलूम का भी इनकार कर देते हैं, औलिया उलमा के उलूम का भी इनकार कर देते हैं, जबकि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम का इल्म भी बिलाशुबा अल्लाह की अता से है और उतना ही है जितना कि अल्लाह ने अता फरमाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया के बारे में इरशाद फरमाता है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबि अहदन इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, कि वो गैब का जानने वाला है, अपने गैब के किसी को मुत्तला नहीं फरमाता मगर सिवाय कि अपने पसंदीदा रसूलों में से जिसको अता फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला तो अपने अंबिया के उलूम को साबित फरमा रहा है और फिर बिलाशुबा अल्लाह के इल्म के मुकाबले में मखलूक का इल्म बहुत थोड़ा है। यहाँ तक कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अगर नबी अलैहिस्सलाम का इल्म तमाम मखलूक के इल्म के बारे में, बल्कि नबी आला हज़रत रहमतुल्लाह अल्लामा जलालुद्दीन सय्यूती शाफ़ी रहमतुल्लाह और दीगर बुजुर्गान दीन ने लिखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म की मिसाल सात समंदरों की मानिंद है और बाकी तमाम के तमाम मखलूक का इल्म आपके इल्म के सामने एक कतरे की हैसियत रखता है। लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इल्म को अगर अल्लाह के इल्म से मुआज़ना करें तो अल्लाह का इल्म सात समंदरों की मानिंद है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इल्म उसके मुकाबले में एक कतरे की मानिंद है। और अल्लाह तबारक इस मिसाल से ये पाक है। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक ने मखलूक के इल्म के बारे में बयान फरमा दिया। फिर इरशाद फरमा के वसिया कुर्सी हुस्समावाति वल अर्द, और उसकी कुर्सी आसमानों और ज़मीन को मुहीत है। अब कुर्सी से मुराद बाज़ उलमा ने तो उसकी तावील फरमाई कि उसका इल्म कुदरत, उससे कोई चीज़ खारिज नहीं है, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ उसके इल्म कुदरत के तहत है। और बाज़ रिवायत से यह साबित है कि कुर्सी से मुराद कुर्सी ही है और उसकी शान क्या है कि वह अर्श इलाही के नीचे एक कुर्सी है और उसके नीचे ये साथ ज़मीन व आसमान है। और उस कुर्सी की लंबाई चौड़ाई कितनी है तो उसके बारे में उलमा ने लिखा, अहदीस की रोशनी में लिखा कि ये सातों ज़मीन व आसमान उस कुर्सी के सामने ऐसे ही है कि जैसे एक अजीम रेगिस्तान में एक कड़ा रखा हुआ हो। तो ये ज़मीन व आसमान उस एक कड़े की मानिंद है और वो कुर्सी जो है एक अजीम रेगिस्तान की मानिंद है। और फिर इरशाद और ये भी बयान फरमाया हदीस करीमा में कि इसी कुर्सी की मिसाल अर्श के सामने ऐसी है जैसे कि एक अजीम रेगिस्तान में एक कड़ा रखा हुआ है, अंगूठी का छल्ला रखा हुआ हो। तो ये कुर्सी इस अर्श के सामने एक छल्ले की मानिंद है और जबकि आस ये अर्श इलाही एक अजीम रेगिस्तान की मानिंद है। साहिब तफसीर मज़हरी ने लिखा, काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह ने हदीस शरीफ रिवायत की कि कुर्सी को अल्लाह के चार फरिश्ते उठाए हुए हैं जिनमें से एक फरिश्ता सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के मुशाबे है और वो दुआ करता है तमाम के तमाम इंसानों के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला इनको एक साल का पूरा रिज़्क अता फरमा। और एक फरिश्ता सैयदुल सबा यानी दरिंदों का जो बादशाह है यानी शेर उसकी मानिंद है, वो दरिंदों के रिज़्क के लिए दुआ करता है। और एक फरिश्ता सैयदुल अनाम यानी चौपायों का जो सरदार है बैल उसकी मानिंद है और वो तमाम के तमाम चौपायों के रिज़्क के लिए दुआ करता है। और एक फरिश्ता जो परिंदा है और वो गिद्ध की मानिंद है, नसर जिसे अरबी ज़बान में कहा जाता है, वो तमाम के तमाम परिंदों के लिए दुआ करता है। तो ये अल्लाह ताला के अजीम मखलूक है और जो अल्लाह के मखलूक के लिए दुआ करते हैं ये फरिश्ते हैं। और फरमाया कि कुर्सी और अर्श इलाही के दौरान 70 पर्दे जुल्मात के हैं, अंधेरे के हैं, और 70 पर्दे नूर के हैं, और हर पर्दे के दरमियान 500 साल की मुसाफत है। अगर अल्लाह तबारक तआला उन पर्दों को हटा दे तो तमाम की तमाम मखलूकात उसके वजह मुबारक के नूर से जल के ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमाता है, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा,
और ये ज़मीन व आसमान की हिफाजत करना उसे थकाता नहीं है। ये ज़मीन व आसमान अगरचे कि बहुत बड़ी मखलूक है मगर रब करीम के सामने तो कुछ भी नहीं है। तो फरमाया कि इसकी हिफाजत उसे कोई थकाती नहीं है। वहुवल अलीउल अज़ीम, वो बुलंदी वाला है, वो अज़ीम है। तो बुलंदी वाला कहने में ये इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि तो हर शय से आला बरतर है, और अज़ीम ये मुकाबले के इस्तेमाल किया जाता है कि यानी उसके सामने हर शय हकीर है, उसके सामने हर शय छोटी है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आला सिफात को इसमें बयान फरमाया। फिर उसके बाद रब करीम इरशाद फरमाता है कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई जबर नहीं है, यानी तुम किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बना लो, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है। जो अपनी मोहब्बत से मुसलमान होना चाहता है वो मुसलमान हो जाए, ज़बरदस्ती कहीं भी मुसलमान बनाना जायज़ नहीं है। वजह क्या है कि ज़बरदस्ती वो लोग बनवाएं जिनके पास दलाइल की कमी है, जिनके पास सच्चाई की कमी है। इस्लाम के दलाइल रोज़ रोशन की तरह आया है। फरमाया कि क़द तबय्यना अर्रुश्द मिनल ग़ी, और तहकीक बयान कर दी गई है हिदायत गुमराही में से। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के ज़रिए गुमराही को अलग बयान कर दिया है और हिदायत को अलग बयान कर दिया है। ये ऐसी हिदायत है जिसमें कोई शुबा नहीं है। फरमाया कि फ़मन यकफुर बित्तागूत व यूमिन बिल्लाह, बस जो कोई शख्स भी तागूत का इनकार करता है, तागूत अमूमी तौर पर शैतान को कहा जाता है मगर इसका अमूमी माना यह है कि हर वो चीज़ जो अल्लाह तबारक व तआला की राह से रोके, अल्लाह तबारक व तआला की राह में रुकावट का सबब बने, वो तागूत है। ख़्वा इंसान का अपना नफ्स हो, ख़्वा दुनिया हो या दोस्त अहबाब हो, ख़्वा शैतान हो, वो सब के सब उसी ज़ुमरे में आ जाते हैं। तो ये तागूत तगा से, और तगा कहते हैं तुगयानी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जब नदी या दरिया अपने हदूद से बाहर निकल जाए। तो ये कि फमन यकफुर बित्तागूती, तो जो तागूत का इनकार कर दे, हदों से तजावत ना करे, उसका इनकार कर दे, वयूमिन बिल्लाह, और फिर अल्लाह पे ईमान ले आए। तो यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने पहले शैतान का इनकार करवाया, तागूत का इनकार करवाया, नफ्स परस्ती का इनकार करवाया, हर उस चीज़ का इनकार करवा दिया जो अल्लाह की राह में रुकावट बनती है। उसके बाद फिर ईमान की बात की है कि पहले दिल की ज़मीन को नजासतों से, कुफ्र और शिर्क की नजासतों से पाक कर लो, उसके बाद फिर ईमान का बीज डालो, उसके बाद ईमान के बीज की काश्त करो, तब वो ज़मीन इस काबिल होती है कि उसमें ईमान का बीज पैदा हो सके, ईमान का पौधा लग सके, शजरा तैयबा पैदा हो सके। वरना नजिस ज़मीन में जहाँ पर नापाकिया नापाकिया हो वहाँ पर ईमान का पौधा नहीं लग सकता। तो पहले पाक करो उसको, जिस तरह कि ला इलाहा इल्लल्लाह में पहले नफ़ी करवाई गई है तमाम माबूदुना बातिल की, उसके बाद फिर इल्लल्लाह कहकर इस बात करवाया गया है। तो वही तरतीब यहाँ के, पहले तागूत की नफ़ी, फिर अल्लाह पे ईमान का इस बात। फ़कद इस्तमसका बिलउरवतिल वुस्का, तो जिसने भी ऐसा काम किया, तागूत का इनकार कर दिया, अल्लाह पे ईमान लिया, तो उसने बड़ी मजबूत गिरा थाम ली है, बड़ी मजबूत रस्सी थाम ली है। लन फिसाम अलहा, ये गिरा कभी खुलने वाली नहीं है, यानी तौहीद इलाही की गिरा, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की गिरा जिसने अपने दिल में लगा ली है, इस गिरा को जिसने थाम लिया है, तो अब कभी भी वो गुमराह नहीं होगा और कभी भी वो हलाकतों में नहीं पड़ेगा। फरमाया कि वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह तबारक तआला सुनने वाला है और जानने वाला है। यहाँ पर अल्लाह तबारक तआला ने इंसानी ज़बानों पर जो कुछ जारी होता है उसको भी बयान कर दिया कि वो उसको भी सुनता है, और अलीम कहकर दिलों की कैफियत को भी बयान कर दिया है कि यानी तुम अगर सच्चे दिल से ईमान लाओगे तो अल्लाह जानता है, अगर सिर्फ ज़बानी कलामी ईमान लाओगे तो भी अल्लाह तबारक तआला जानता है। तो उरवतुल वुस्का उसी ने थामी है जिसने दिल से ईमान लेकर आया। अल्लाहु वलीयुल लदीना आमनू, अब अल्लाह तबारक तआला ने यहाँ पर फरमाया कि अल्लाह तबारक तआला दोस्त है उन लोगों का, मददगार है उन लोगों का, वाली है, निगेबान है उन लोगों का जो ईमान लाए। तो ईमान लाने से अल्लाह तबारक व तआला और बंदे के दरमियान में दोस्ती मोहब्बत का रिश्ता पैदा हो जाता है। जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता तो अल्लाह बंदे से मोहब्बत फरमाता है। फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान का वली है, युख्रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और उसकी विलायत का फ़ायदा बयान किया जा रहा है कि रब्बे करीम उसे ज़ुलमात से, अंधेरियों से निकाल के नूर की तरफ ले जाता है। अंधेरियों से मुराद हर किस्म की गुमराही है, गुमराहियों के मुख्तलिफ सूरतें हैं, तो इसलिए ज़ुलमात का लफ्ज़ यानी जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गया, और नूर हकीकत वाहिदा है, तो उसकी तरफ वो हिदायत है, वो रब्बे करीम का नूर है। तो फरमा दिया कि वो उसे अंधेरियों से निकाल के, शिर्क जुल्मत कुफर हर किस्म के अंधेरियों से निकाल के नूर की तरफ ले आता है, हिदायत की तरफ ले आता है। वल्लदीना कफरू, अब अल्लाह तबारक चूँकि हिदायत को बयान कर चुका तो अब
कुफर को बयान फरमा रहा है, क्योंकि मुआजना है यहाँ पर, ताकि इंसान को बात समझ में आए। अल अशिया तोरफ़ भी अददा दिहा, कि चीज़ें अपनी ज़िदों से पहचानी जाती है, कंट्राडिक्शन से पहचानी जाती है। तो अहले ईमान का जिक्र कर दिया, अब अहले कुफर का जिक्र किया जाता है। तो फरमाया कि वल्लदीन कफरू औलियाउहुमुत तागूत, और जिन लोगों ने कुफर किया उनके दोस्त, उनके हिमायती तागूत है। यानी जब अल्लाह का इनकार कर चुके, अल्लाह के दीन का इनकार कर चुके, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर चुके, तो अब तुम शैतान के दोस्त हो गए, क्योंकि उसी का ये काम है लोगों को भटकाना और उसी का ये मिशन है। तो फरमाया कि तुम शैतान के दोस्त हो गए हो। अब मैं तागूत की वजाहत कर चुका हूँ कि अपनी ख्वाहिशात नफसानी को पूरा करने के लिए अल्लाह के दीन का इनकार करता है, या दुनिया वालों को खुश करने के लिए अल्लाह के दीन का इनकार करता है, वो सब के सब उसके हक में तागूत है। तो फरमाया कि जो तागूत का दोस्त है, तो जो कुफर कर चुका वो तागूत उसका दोस्त है, युखरिजूनहुम मिनन नूर इलज़ ज़ुलुमात, और ये तागूत इसे नूर हिदायत से निकाल कर कुफर की ज़ुल्मतों में ले जाते हैं। अब कुफर की ज़ुल्मतें मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, ख़ा वो शिर्क की सूरत में हो, ख़ा दहरियत की सूरत में हो, ख़ा अल्लाह के नबियों की गुस्ताखी की सूरत में हो, या इर्तदाद की सूरत में हो, जिस सूरत में हो, बहरहाल वो अंधेरियाँ हैं, वो अल्लाह से दूर करने वाली हैं। उलाइक असहाबुन नार, यही हैं वो लोग जो जहन्नुम वाले हैं, हुम फीहा खालिदून, और ये लोग उस जहन्नुम में हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह तबारक तआला ने अहले कुफर के ठिकाने को बयान फरमा दिया, अहले ईमान के ठिकानों को बयान फरमा दिया, और दोनों के वाक़यात को बयान कर दिया, और बयान दोनों के दोनों हकीकतों को बयान कर दिया, और बयान करने के बाद दावत दे दी है कि तुम्हारे इख्तियार में है कि तुम तागूत को अपना दोस्त बना लो या रब्बे कायनात को अपना दोस्त बना लो, ये तुम्हारी अक्ल व फहम पर है, तुम दोनों से जिसके चाहो इंतखाब कर लो। तो बहरहाल अल्लाह के दोस्त बन जाओगे तो फिर तुम्हें हमेशा की कामयाबी हासिल हो जाएगी, और अल्लाह तबारक व तआला को छोड़कर तागूत को अपना दोस्त बनाते हो, अपनी ख्वाहिशात को अपना दोस्त बनाते हो, दुनिया को अपना दोस्त बनाते हो, अल्लाह के दुश्मनों को अपना दोस्त बनाते हो, तो फिर तुम जहन्नुम तुम्हारा ठिकाना है और तुम्हें हमेशा उसमें रहना पड़ेगा। इसके बाद रब्बे कायनात ने दो वाक़यात बयान फरमाए इंशाअल्लाह तबारक व तआला, वो दोनों के दोनों वाक़यात भी अल्लाह तबारक तआला के तौहीद पर, उसकी कुदरतों के बयान पर मबनी है। वो अगले दर्स में बयान किए जाएंगे। वो आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।